दोस्तों, ये है गुड़गांव, जिसे आज के दौर में गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर दिल्ली से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आधुनिक शहर है, जो हमारे भारत के हरियाणा स्टेट में पड़ता है। गुड़गांव शहर अपने बेहतरीन रोड नेटवर्क और यहाँ के साइबर सिटी की वजह से जाना जाता है। वही आज के दौर में ये पूरा नगर अपने बढ़ती इकोनॉमी, ऊंची बिल्डिंग्स और यहाँ के मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से भी फेमस है। यदि सड़क पर दौड़ती ज्यादातर HR 26 या HR 72 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाए, तो समझ जाइए आप गुरु द्रोणाचार्य की महान धरती गुड़गांव में प्रवेश कर चुके हैं। गुड़गांव भारत का वो शहर है जो बहुत ही कम समय में डेवलप हुआ है। आज से 20-25 साल पहले ये एक बंजर गांव के समान हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली का विस्तार हुआ, वैसे ही गुड़गांव को दिल्ली NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में मिला लिया गया। वहीं आज इस शहर में कई बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के ऑफिस मौजूद हैं, जिनमें हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, गूगल, वीवो और डेल जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके साथ ही गुड़गांव भारत का चौथा सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर और तीसरा सबसे बड़ा फाइनेंस और बैंकिंग सेंटर है, जिस वजह से इस शहर में देश और दुनिया से लाखों लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। वहीं आपको ये जानकर गर्व होगा कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर मौजूद टोल प्लाजा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टोल बूथ है, अर्थात हरियाणा स्टेट की टोटल इकोनॉमी में 40% रेवेन्यू अकेले गुड़गांव शहर से आता है। और आइए अब जरा हम इस शहर के न्यूमेरिकल डेटा को देखते हैं। तो गुड़गांव शहर का मेट्रोपॉलिटन एरिया लगभग 732 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर फैला है। और बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन की, तो गुड़गांव भारत के कुछ सबसे कम आबादी वाले शहरों में गिना जाता है, जहाँ की अनुमानित जनसंख्या महज 17.26 लाख निवासियों की है। यहाँ की आबादी में ज्यादातर लोग वेल एजुकेटेड हैं, जिसका असर यहाँ की लिटरेसी रेट में साफ साफ देखने को मिलता है। अथवा सेक्स रेशियो की बात की जाए, तो गुड़गांव में प्रति 1000 मेंस पर 846 वुमेन्स पाई जाती हैं। तथा रिलीजन फिगर को देखें, तो यहाँ की आबादी में तकरीबन 91.88% पॉपुलेशन हिंदू समाज की है, तथा 4.58% मुस्लिम और 0.2% सिख समाज के लोग भी यहाँ निवास करते हैं। गुड़गांव में 500 से भी ज्यादा MNC एंड नेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं, जिस वजह से यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में प्रोफेशनल वर्कर्स की संख्या अधिक है। तथा ये शहर फ्यूचर में काफी डेवलप होने वाला है। यहाँ पर रियल एस्टेट की कुछ जानी मानी कंपनियों जैसे कि MR, M3M और DLF बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही हैं और कई गगनचुंबीय इमारतें बना रही हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, तो गुड़गांव कई सेक्टर में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है, जो एयरपोर्ट, रेलवे, सड़क और रैपिड मेट्रो सिस्टम से वेल कनेक्टेड है। यहाँ का येलो लाइन मेट्रो इसे दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तथा महिपालपुर में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का मुख्य हवाई अड्डा है। वहीं इस शहर में आपको 16 लेन तक की चौड़ी सड़कें देखने को मिलेंगी, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे, जयपुर एक्सप्रेसवे इसे दिल्ली से जोड़ते हैं। और हमारे देश का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत भी इसी शहर से होती है, जो 1350 किलोमीटर लंबा 8 लेन का राजमार्ग है। और आइए अब आखिर में जान लेते हैं गुड़गांव के इतिहास और यहाँ पर घूमने फिरने लायक कुछ जगहों के बारे में। तो ऐतिहासिक रूप से गुरुग्राम की स्थापना हरियाणा के गठन के समय ही एक जिले के रूप में 1 नवंबर 1966 को की गई थी। हालांकि महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने गुड़गांव को अपने धर्मगुरु द्रोणाचार्य को उपहार स्वरूप दिया था, और आज भी उनके नाम पर ही इस शहर का नाम गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है। वहीं घूमने फिरने के लिहाज से आप यहां पर शीतला माता टेम्पल, एम्बियंस मॉल, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, दमदमा लेक, लेसर वैली पार्क और यहाँ के मॉडर्न DLF साइबर हब की सैर कर सकते हैं।